गुरु नानक देव जी महाराज का नाम आपने पढ़ा सुना होगा, जो सिखों के प्रथम गुरु थे। जब गुरु नानक देव जी महाराज के 4400 शिष्य हो गए, तब उनको चिंता हो गई कि शिष्यों की संख्या तो बढ़ती जा रही, लेकिन इसमें सच्चा शिष्य जो मेरे सिवा न किसी को जानता है, न किसी को पहचानता, न किसी को मानता है, ऐसा मेरा अनन्य भक्त कौन है। उसकी पहचान के लिए गुरु नानक देव जी महाराज ने तैयारी कर शिष्यों को बुलाया और कहा कल मैं एक आवश्यक संदेश दूंगा। रात में उन्होंने तैयारी कर ली, एक झोपड़ी बनाई और झोपड़ी में एक तरबूज का फल रखा, एक तलवार रखी, एक बकरे को बंद किया, एक बाल्टी लाल रंग पानी घुरवा के रखवा दिया और एक प्रेमी को बैठा दिया। जब सवेरे संगत आई तो गुरु नानक देव जी महाराज ने कहा सब लोग लाइन से खड़े हो जाओ। जब सारे प्रेमी लाइन से खड़े हो गए, तब गुरु नानक देव महाराज ने फरमान जारी किया। क्या कहा कि हमको सर चाहिए सर। जैसे ये सुना तो सबसे आगे प्रेमी बैठा था बड़ा खुश हुआ, बहुत प्रसन्न हुआ कि अगर मेरा सर गुरु के काम आ जाए तो मेरा मानव जीवन सार्थक हो जाए। तो बेचारा हंसते हंसते वो झोपड़ी के अंदर चला गया। जो पहले से प्रेमी वहां बैठाया गया था, उसने तलवार उठाई और तरबूज पर मारी तो खच की आवाज, बकरे का कान मीटा तो म्या की आवाज, एक लोटा लाल रंग पानी जब फैला दिया और बाहर निकल के पानी आया, लोगों ने देखा कहा अरे इसका तो काम हो गया। ऐसे प्रेमियों 1, 2, 3, 4, 5 अंदर गए। जब छठे का नंबर आया, गुरु नानक देव जी महाराज ने कहा हमको सर चाहिए सर, एकदम बदल मच गई, सब भाग गए। तुम्हारे यहाँ मथुरा में तो ऐसी आवाज नहीं लगाई गई, सर तो नहीं मांगा गया, कोई सामान नहीं मांगा गया और फिर भी ये सब भाग गए, बिना मांगे ही सब भाग गए। वहां तो गुरु नानक देव जी महाराज ने सर मांगा था। इसलिए जब गुरु नानक देव जी महाराज का इतिहास लिखा गया तो आपने सुना पड़ा होगा पंच प्यारे, 5 प्यारे निकले गुरु के, गुरु के प्यारे 5 निकले। और तुम्हारे यहां मथुरा में 45 करोड़ चेलों में एक भी गुरु का प्यारा नहीं निकला, कोई गद्दी का प्यारा, कोई पैसे का प्यारा, कोई मान सम्मान सामान का प्यारा, कोई पद का प्यारा निकला, लेकिन गुरु का प्यारा एक भी नहीं निकला। बड़े अफसोस की बात है, 45 करोड़ चेलों में एक भी गुरु का प्यारा नहीं, ये कितने बड़े अपमान की बात है कि एक भी नहीं निकला। जब एक भी नहीं निकला तो तुम्हारा मथुरा जाने का, गुरु करने का, शिष्य बनने का मतलब ही क्या निकला। ये सब आपको विचार करना चाहिए।